रूस द्वारा भेजा गया लूना 25 इस समय चांद की सतह से टकराकर चूर चूर हो गया है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस द्वारा भेजा गया लूना 25 दोनों का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। जब से भारत का चंद्रयान 3 चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ है, तब से लेकर अब तक दुनिया भर के देश यानी अमेरिका, रूस और चीन समेत अन्य देश चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा यह तीसरा चांद मिशन है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है। अमेरिका ने लगभग 19 मून मिशन कर लिए हैं, यहां तक कि चांद पर वैज्ञानिकों को भी भेज दिया है। अमेरिका ने साल 1972 में पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा था, जिससे कि चांद पर इंसान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक लैंडिंग करने की हिम्मत अमेरिका की भी नहीं हुई। भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 के दिन चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ था। भारत का चंद्रयान 3 चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में जैसे ही एंट्री लिया था, इस समय से लेकर अब तक चांद की भयानक खुलासा कर रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। चंद्रयान 3 की ओढ़ में शक्तिशाली देश रूस ने लूना 25 मिशन को 10 अगस्त के दिन लॉन्च किया था। रूस के इस यान में काफी ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट लगा था, जिससे कि वह चंद्रयान 3 से पहले चांद के आखिरी ऑर्बिट में एंट्री ले चुका था। वहीं लूना 25 की लैंडिंग डेट 22 अगस्त को रखी गई थी, जबकि हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट 23 अगस्त के दिन करीब 5:30 बजे रखी गई थी। लेकिन इस समय रूस का लूना 25 मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। तकनीकी खराबी के चलते पहले ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने लूना 25 के असफल होने की आशंका जाहिर की थी। आपको बता दें कि शनिवार के दिन ही रूस के स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस से लूना 25 का संपर्क टूट गया था, जिससे रॉसकॉस्मोस में उपस्थित वैज्ञानिकों के कंट्रोल से बाहर हो गया था और इस समय लूना 25 चांद की धरती से टकराकर चकनाचूर हो गया है, जिससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को काफी ज्यादा तेज झटका लगा है। रूस की स्पेस एजेंसी के सारे वैज्ञानिक दुखी के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि लूना 25 का बजट 16.6 अरब रुपए था, जबकि चंद्रयान 3 का बजट करीब 615 करोड़ रुपए का ही था। फिर भी चंद्रयान 3 इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला है। 17 अगस्त के दिन दोपहर के करीब 1 बजे चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो गए था। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद इसरो के पास यह मैसेज भेजा कि जिन्होंने सफर में मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया। इस मैसेज को देख इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि यह मैसेज चंद्रयान 3 के लैंडर में खुद ही इसरो के पास भेजा था, जिसकी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट के माध्यम से दिया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में इस बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो कि दिमाग की तरह व्यवहार करता है और यह लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी ज्यादा मददगार है। पिछली बार साल 2019 में चंद्रयान 2 को चांद की सफल उड़ान के लिए भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था। संपर्क टूट जाने के कारण चांद की सतह से टकराकर तबाह हो गया था। भारत को पिछली बार मिली असफलता से सीख लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को काफी ज्यादा एडवांस और लेटेस्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया है, जिससे कि चंद्रयान 3 के फेल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। लूना 25 मिशन के असफल हो जाने से हमारे चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस बार हमारा देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि आज तक वहां पर किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को 100% भरोसा है कि हम इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जरूर कराएंगे। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डिब्यूस्टिंग मनुवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा।
और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने से पहले ही वीडियो और फोटो के माध्यम से रहस्यमयी खुलासे कर रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों को दिखाते हैं। दोस्तों, इस समय जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा द्वारा 17 अगस्त के दिन दोपहर 1 बजे कैप्चर किया गया है। इस वीडियो में आपको चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह स्पष्ट दिखाई दे रही होगी और चांद की धरती पर मौजूद गड्ढे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, जबकि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने जा रहा है। और चांद के दक्षिणी ध्रुव में उपस्थित भयानक गड्ढों और रहस्यमयी चीजों से पर्दा उठाने वाला है। रूस के लूना 25 का क्रैश होना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि करीब 47 साल बाद रूस ने लूना 25 को चंद्रमा पर भेजा था। इससे पता चलता है कि आपको अंतरिक्ष प्रक्षेपण को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चंद्रयान 3 चंद्रमा की निकटतम कक्षा से केवल 25 किलोमीटर दूर है और अब इसकी स्पीड को धीरे धीरे घटाया जाएगा ताकि चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। अभी तक के सबसे कठिन कामों में से यह काम एक है जिसके लिए वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। साथ ही आपको बता दें कि लैंडिंग के समय इसका AI यानी इसमें लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही निर्णय लेगा कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंडिंग करना है। इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगे सेंसर और कैमरों के माध्यम से जानकारी लेता रहेगा और उसी जानकारी के माध्यम से वह तय करेगा कि उसे लैंडिंग कहां पर करना है। यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर अपने आप निर्णय लेगा कि उसे जिस जगह पर लैंडिंग करना है वह जगह उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। यदि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किसी असुरक्षित जगह यानी किसी गड्ढे या फिर ज्यादा ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंडिंग करने वाला होगा तो उसमें लगा AI सिस्टम उसे उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर सुरक्षित लैंडिंग कराएगा। हम कह सकते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 के सफल होने के चांसेस 100% है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी कि पहले बताया गया था कि लैंडर चांद पर शाम 5:45 पर लैंड करेगा, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। इस मिशन के सॉफ्ट लैंडिंग करने की दुआ आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।